प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। प्रशासन के निर्देश पर कल ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने देर शाम नोटिस चस्पा किया और 3 दिन की मोहलत देते हुए वैध दस्तावेजों की मांग की गई। नोटिस चस्पा होती महाराजगंज बाजार में हड़कंप मच गया। लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ने लगे। कुल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया। उम्मीद की जा रही है कि रामगोपाल मिश्रा के हत्या आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सोनू मौर्य है। क्या नाम? भगवानपुर के रहने वाले। हमारी दूसरी ब्रांच थी गोपाल बेकरी के नाम से। सर रेंट की दुकान थी, किराए पर ले रखा था और मकान मालिक ने बताया कि भाई नोटिस लग गई है तो आप अपनी दुकान खाली कर दें, कोई नुकसान ना हो आपका। इसलिए तो लेके जा रहे हैं, भगवानपुर जाएंगे। यहाँ से 8 किलोमीटर से हमारी अपनी दूसरी दुकान है, वहाँ ले जाएंगे सामान। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो है अगर रोड के जो आक्रमण था तो फोरम पार था। ये 24 घर मात्र आ रहे हैं क्यों? हम ही सब आ रहे हैं। हम भी तो मूल जयसवाल जयसवाल हम भी है। जो अगर ओरम पार्क पूरा जाता है हमें कोई सोच नहीं रही। 60 ने 80 फुट ले रहे, लेकिन पहले 28 फुट मानक थी। आज के 2 साल पहले मानक निशान लगा गया 28 फुट। 28 फुट के हम बाहर पड़ रहे थे तो हमारा निशान कोई नहीं लगा। अब 60 फुट नोटिस लगा के 60 फुट पड़ेगा। तो हम मकान भी जा रहा तो रहने की भी व्यवस्था तो नहीं है। हमारे पढ़ना तो बनवाने की व्यवस्था दाम भी नहीं है। अब कई बागों में चले जाएंगे, भर जाएंगे, वहीं पर पंडित आन के रहेंगे। जो सरकार वही करेंगे हमें, और उसका उपाय नहीं है।